साथियों, आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाए, किसान पर बोझ कम हो, देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। बीते बजट में हमने किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधा सुनिश्चित की, अब किसान ड्रोन किसान का नया साथी बनने वाला है। इसके लिए एफपीओ के माध्यम से किसानों को खेत में ही उचित किराए पर ड्रोन और दूसरी मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसान को तो मदद मिलेगी ही, उत्पादन का रियल टाइम डेटा भी प्राप्त होगा। इससे जुड़े स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से एक विशेष फंड की मदद भी दी जाएगी। साथियों, कृषि को हाईटेक करने के साथ साथ देश की कृषि को नेचुरल बनाने पर भी अभूतपूर्व फोकस है। दोनों पहलू पर हम बल दे रहे हैं, आधुनिक हो, टेक्नोलॉजी हो, खर्च में बचत हो, साथ साथ बैक टू बेसिक, हमारी ये धरती माता बर्बाद न हो, हमारी धरती माता की उपजाऊ शक्ति खत्म न हो, और इसलिए केमिकल मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती। साथियों, इसके कारण किसानों की जो खेत में इन्वेस्टमेंट खर्च होता है, लागत घटाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, कृषि को ये अधिक लाभकारी बनाएंगे, साथ साथ ये बीमारियों से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा अभियान भी है, जिसका सबसे अधिक लाभ हमारे छोटे किसानों को होगा। देश के अनेक हिस्सों में जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर काम चल रहा है। छोटा किसान, और हमें ये देखना होगा, जब हम किसान की बात करते हैं तब हमारी प्राथमिकता छोटा किसान ही रहनी चाहिए। 80-85% हमारे छोटे किसान हैं। अगर एक बार हमारा छोटा किसान मजबूत बनता है, ताकतवर बनता है, देश की ग्रामीण जीवन बदल जाता है, और इसलिए हमने इस पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है। हमने देखा है देश में कौन सी बातें हम सुनते आए हैं। गरीबी हटाने की बातें तो हुई, लेकिन होता क्या था, और वो गलत होता था, मैंने क्या था, कहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते थे, कहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर बनते हैं। हमने भी आकर देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं, लेकिन अब हम देश में पहली बार एक और कॉरिडोर बना रहे हैं, जो इस बजट में घोषणा की गई है, प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर, नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर लगभग 2500 किलोमीटर लंबा होगा, करीब 10 किलोमीटर चौड़ा होगा, और पहले चरण में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मां गंगा के किनारे 5-5 किलोमीटर चौड़ा, दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर नेचुरल फार्मिंग का एक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। पूरी इकोसिस्टम बनेगी, उसकी प्रोडक्ट की वैश्विक वैल्यू बनने वाली, खेती के जीवन को बदलाव लाने का ये एपिक सेंटर बन जाएगा। ये कॉरिडोर पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए प्रेरणा का कारण बनने वाला है, और इन सारे कारणों से जो हमारा गंगा स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसमें एक बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि खेत में जो केमिकल उपयोग होता है, जब बारिश आती है तो केमिकल का काफी हिस्सा बह करके पानी में जाता है, नदी में जाता है। 5-5 किलोमीटर
प्राकृतिक खेती जब होगी, केमिकल फ्री खेती होगी, ऑर्गेनिक उत्पाद होंगे, तो वो जो केमिकल का प्रवाह गंगा जी में आता था वो भी बंद होगा, माँ गंगा भी शुद्ध होगी। एक प्रकार से माँ गंगा जी का बजट का कुछ हिस्सा भी किसानों के काम आएगा। और ऑर्गेनिक उत्पाद की आज बाजार में कीमत बहुत बड़ी है, दुनिया में मांग है, और भारत विश्व के कृषि बाजार में बड़ी ताकत के साथ जाने का रास्ता ऑर्गेनिक खेती है। साथियों, सरकार द्वारा मोटे अनाज मिलेट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और हमें न भूलें कि हमारा जो छोटा किसान है उसमें से अधिकतम किसान हमारे, या हमारे जो आदिवासी भाई बहन जो किसान है, या हमारे गांव में किसी दलित के पास अगर जमीन है वो छोटा किसान है, वो मोटा अनाज ही उनको पैदा किए बिना कोई चारा नहीं होता, क्योंकि बाकी कुछ सुविधाएं नहीं होती। दलित और आदिवासी किसान साथी अगर एग्रो फॉरेस्ट्री और प्राइवेट फॉरेस्ट्री अपनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी विशेष मदन का प्रोविजन किया गया है।